वैलेंटाइन डे को हम हिंदी में प्यार का दिन बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. द लव डे. बेसिकली यू वांटेड हर टू से लव डे. ओके. अच्छा मुझे एक बात बताना कि आपकी वैलेंटाइन डे की कोई फैंटेसीज है? यार फिलहाल तो पति पुणे में है. अच्छा. और कोई है नहीं यहाँ पे, तो जो मिल जाएगा उसके साथ फैंटेसी कर लेंगे. अच्छा नॉर्मली लड़की लोगों को क्या फैंटेसीज रहती है? नो टिपिकल एक रहती है ना कि ऐसा टिपिकल वो होता है ना कि लड़कियों को वैलेंटाइन्स वीक पूरा सेलिब्रेट करना होता है. योर चॉकलेट डे, योर टेडी डे, योर फ्लावर डे, योर ऑल दैट बुलशिट डे. एंड आई एम लाइक लोगों के पास पैसे कहां से आते हैं फ्री के चीजें देने के लिए? 7-8 दिन मतलब कंटिन्यू वही चालू रहता है. और लोग मतलब लड़कों के ही टेप से आते हैं सब चीजें. इसलिए एक फंडा ऐसा करने का ना कि वैलेंटाइन्स डे से पहले तक रखने का, बीच में एक हफ्ते का ब्रेक पे जाने नहीं, अभी एक हफ्ते के लिए ब्रेकअप है. अभी कोई बात नहीं करने का, हफ्ते के लिए ब्रेकअप करने का. 15th फरवरी को पैकअप कर लेना. यस ब्रदर, अकॉर्डिंग टू यू क्या फैंटेसीज होती हैं? लड़कों की तो हर रोज फैंटेसी होती है, वैलेंटाइन्स डे चाहिए नहीं. हां वो फिर फैंटेसी का रिजल्ट बेड पे दिख जाता है. फैंटेसी का रिजल्ट इंडिया में ऑलरेडी दिख रहा है पॉपुलेशन. नहीं और कभी कभी बेचारा अगर सिंगल बंदा हो तो बेड पे दिख जाती है उसकी फैंटेसी. नहीं कभी सिंगल वाला किसी और बेड पे नहीं, किसी और को नहीं दिखती. सिंगल वाले को खुद को ही दिखती है फैंटेसी, किसी और को नहीं दिखती. अच्छा बाय द वे एक वर्जिन लड़का समझ लो, तुम वर्जिन हो. नहीं है यार, चल समझ लो. अपनी बातें क्यों कर रहे हो? तेरी मॉम देखने वाली है यार. तेरी मॉम को लिंक दिया तो क्या करेगा? Okay, अच्छा ठीक है. अरे मम्मी कोई नहीं यार, मजाक कर रहा. अच्छा समझ लो एक वर्जिन बंदा है, ठीक है, उसका पहला वैलेंटाइन डे, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट करेगा? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ. रोज, रोजेस देगा उसको, एक रोमांटिक डिनर देगा, या तो फिर एक हनीमून स्वीट टाइप का ओवरनाइट टिप. सच बता रहे हाँ. एक बॉटल वाइन लाने का हाँ. ठीक, और अपना रूम खाली रखने का हाँ. काम हो जाएगा. ज्यादा क्यों नहीं देने का, एक बॉटल वाइन हाँ. और अपना रूम अच्छा रखने का, क्लीन कर लेना. अगर हॉस्टल में रहता है तो थोड़ा रूममेट्स को एडजस्ट करवाना पड़ेगा हाँ. और अरे दोस्त कम नहीं रहते हैं हॉस्टल के, कहीं ना कहीं अपना भी बना ले. हाँ आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? डिनर. रोमांटिक ओके, वेल फूडी पर्सन बेचारे की उसकी पूरी तमन्ना पे आप हाँ कर दोगी. व्हाट अबाउट यू मैम, आपके हिसाब से? हाँ मेरे हिसाब से तो बस अच्छा खाना, okay. अच्छा वाइन हाँ. एक कमरा जो रोजेस से सजा हो और अरोमा कैंडल्स. ओह माय गॉड. और अगर बाथटब होना तो मजा आ जाएगा बॉस, आई एम टेलिंग यू. ये कॉलेज कैंडल्स करो. मतलब यू डोंट इवन नीड अ रूम, यू नीड अ बाथरूम विद वाइन और शैंपेन, योर रेड रोजेस, योर अरोमा कैंडल्स, दैट्स इट. आई डोंट लाइक दीस ऑप्शंस. तीनों ऑप्शंस नहीं, तो आप डायरेक्टली कहाँ पे पहुंचना चाहोगी? मतलब वो तो उससे भी एकदम नाइस, दैट्स अमेजिंग, एकदम फुल ऑन. सेम क्वेश्चन गोज टू यू, लाइक यू नो अगर बंदा वर्जन, या चलो वर्जन नहीं है यार आजकल वैसे भी कौन है, ठीक है, अगर बंदे का पहला वैलेंटाइन डे है तो अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट करेगा? रोजेस, रोमांटिक डिनर, या ओवरनाइट ट्रिप जहाँ पे वो अपना यू नो प्राइवेट टाइम काइंड ऑफ स्पेंड. तो भाई रोज का तो आज के जमाने में कुछ काम ही नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रोजेस है वो. ओके. कुछ का कुछ नहीं होता है उसका लिए, देते हैं खाली एक सेकंड के लिए स्माइल करते फिर फेंक देते हैं. ओके. मतलब लेकिन जो बेस्ट है तो हनीमून जो करेंगे. जिसके लिए रुके रहते हैं, जिसके लिए रुके रहते हैं, जो जिसके लिए रोज भी ला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, इतने पापड़ बेल रहे हैं, लास्ट में हनीमून सूट में लेके जाना है. By the way, condoms कितना important role play करता है Valentine Day के दिन? School में पढ़ा था मैं. They are very important for protection. It's very important at any point. Yeah. Navratri and Valentine's Day. Sunburn, yeah. Sunburn. Festival. Okay. Why? It's protection. Come on. It's safety measure. Why not? Huh? It's very important. Yes. According to you, कितना important role play करता है condom? Obviously very important. कैसे? Because
it's important to use it protection होनी चाहिए STDs come on STDs yeah so maximum इस दिन काफी use होते होंगे किस दिन use होते होंगे इस दिन Valentine Day के oh wait yeah I guess नहीं तो मतलब जिन लोगों की मर्जी है वो तो किसी भी दिन कर सकते हैं सही है जब किस करते हैं तो एक मिनट में कितने कैलोरीज बर्न होते हैं जनरली अगर आपके हिसाब से कितने कैलोरीज बर्न होते होंगे 100 एक मिनट में तो ज्यादा हो जाएगा I have no idea. 100. I'm guessing. Okay. What about you? 500. 500. 600. 1 minute. यार दूसरा चीज करने में बहुत कैलोरीज बर्न होते हैं. किस करने में तो नहीं पता यार. दो कैलोरीज बर्न होते हैं. एक मिनट में. नॉर्मली यार वैलेंटाइन डे के दिन अगर वो किस एकदम हाउसी भेड़िया टाइप आ गया तो फिर अरे भाई तो फिर 1000 कैलोरीज बर्न हो सकते हैं. जिस दिन एक्सरसाइज करने का okay, thank you so much guys. That was amazing interaction here. Thanks a lot. Thank you so much. अच्छा, our channel name is The Bagchod. Okay, The Bagchod. You can go to YouTube and type The Bagchod. YouTube में The Bagchod लिखेंगे तो सबसे पहला हमारा ही channel दिखेगा वो. तो आप subscribe कर सकते हैं. तो भैया किसी ने अभी तक आपका नहीं दिया अगर साथ और अभी तक आप use कर रहे हैं सिर्फ अपना हाथ तो ये video आपके लिए है. और अगर आप वही हो जो अपने बाथरूम को इतना कीचड़ कर देता है कि दूसरा कोई आने के लिए डरे बाथरूम में तो ये वीडियो भी आपके लिए है. तो गाइस प्लीज कमेंट करके हमें बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गिव अ बिग थम्स अप. टिल देन गाइस शेयर अ वीडियो एंड सब्सक्राइब इंडियास मोस्ट फन अनलिमिटेड चैनल द बकचोद. संजय विश्वकर्मा साइनिंग आउट.